कोकोमो मॉडल। इस मॉडल की शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी प्रोजेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का या प्लानिंग का पार्ट है कि आप बता सके कि कितना पैसा लगने वाला है, कॉस्ट यानी कि डॉलर। आप ये बता सके कितना समय लगने वाला है प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, और आप ये बता सके कि कितनी मेहनत एफर्ट लगने वाला है, लोग लगने वाले हैं। कोकोमो मॉडल बैरी बोयम साहब, इन्होंने इसी तरीके का एस्टिमेशन करने के लिए वो बता सके पहले अप फ्रंट कि भाई प्रोजेक्ट में ये लगने वाला है, और इसका नाम रखा इन्होंने कोकोमो। कोकोमो कहां से नाम आया? को आया है कंस्ट्रक्टिव से, को आया है कॉस्ट से, और एम आया है मॉडल से, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। शुरुआत में जब ये आया था तो बड़ा फेमस हुआ, 1981 की बात मैं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा यूज होने लगा, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया एक तरीके से। उसके बाद इसमें काफी परिवर्तन हुए अच्छे के लिए, बेटरमेंट के लिए, और कोकोमो 2 आया। कोकोमो 2 में जो सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस है, यानी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, चाहे आप इसमें वाटरफॉल ले, स्पाइरल ले, या जो भी ले, ये जो अलग अलग स्टेजेस है उसका एस्टिमेशन खासतौर पर किया जाता है। और कोकोमो 2 इसमें साइजिंग इंफॉर्मेशन होती है, यानी आपको पूरे प्रोडक्ट का साइज बताना होता है। साइज कहां से आएगा? आप इसमें ऑब्जेक्ट पॉइंट्स बता सकते हैं, कितने ऑब्जेक्ट बनेंगे, कितने फंक्शंस आप देने वाले हैं, कितनी फंक्शन ये सॉफ्टवेयर देगा, या फिर आप लाइन ऑफ कोड दे सकते हैं। तो फंक्शन पॉइंट हो सकते हैं, लाइन ऑफ कोड हो सकता है, या ऑब्जेक्ट पॉइंट इसके इनपुट हो सकते हैं। कोकोमो 2 जो है 1995 में आया, यानी कि इसका एक्सटेंशन हुआ 1981 का जो कोकोमो बेस मॉडल था। इस कोकोमो 2 में बहुत सारी चीजें इंक्लूड की गई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड उस जमाने में आ गया पैराडाइम, जो मॉडल लाइफ साइकिल मॉडल्स हैं जैसे आपके एजाइल वगैरह वो भी आ गए, रैपिड प्रोटोटाइपिंग, बहुत तेज जो प्रोटोटाइपिंग करके हम सॉफ्टवेयर डिलीवर करते हैं, फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस का इनपुट, और कॉट्स सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द शेल्फ। कोकोमो मॉडल है तो बेसिक ही, मतलब सारी चीजें एक ही जैसे हो रही है, कहीं कहीं परिवर्तन है वो मैं आपको बताऊंगा। तीन फॉर्म्स लेता है कोकोमो मॉडल या कोकोमो। पहला है बेसिक कोकोमो, ये आपको बहुत, इसमें ये है कि आप प्रोजेक्ट मांगते हैं, बड़ा बेसिक प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, और आपको एक रफ एस्टिमेशन दे देगा कितने लोग लगेंगे और कितना टाइम लगेगा, कितना एफर्ट लगेगा। इसके बाद आता है इंटरमीडिएट कोकोमो, ये आपको थोड़ा और डिटेल एस्टिमेट देता है, क्योंकि यहां पर आप कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो बेसिक प्रोजेक्ट है, यहां पर आपका स्मॉल से लेकर मीडियम साइज प्रोजेक्ट है। उसके बाद आता है एडवांस्ड या कहें डिटेल्ड कोकोमो, यहां पर आपको और ज्यादा डिटेल एस्टिमेट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि यहां प्रोजेक्ट हो जाता है लार्ज, बड़ा और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए डिटेल्ड कोकोमो की जरूरत पड़ती है। बेसिक कोकोमो मॉडल, पहली चीज यह है कि जो बेसिक कोकोमो कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, ये आपको आपके प्रोजेक्ट पैरामीटर्स के कुछ अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है, एस्टिमेट देता है, जैसे टाइम कितना लगने वाला है प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में, एफर्ट कितना लगने वाला है, एफर्ट की यूनिट होती है पर्सन मंथ, इसके अलावा टाइम हो गया, एफर्ट हो गया, और क्या बचा, डॉलर, कितने पैसे लगने वाले हैं अंदाजे से। तो जो बेसिक कोकोमो एस्टिमेशन है उसका एक्सप्रेशन बड़ा इजी है, एफर्ट के लिए है A1 प्लस KLOC टू द पावर A2, और ये PM क्या हो गया, पर्सन मंथ। तो एफर्ट निकाला जाता है पर्सन मंथ में, एक आदमी एक मंथ में कितना काम करेगा, करता है। अब इसी एफर्ट को निकाल लिया आपने, उसको डाल दीजिए आप इसमें, ये यहीं पे इनपुट किया गया है, तो टाइम ऑफ डेवलपमेंट आएगा, समय कितना लगेगा, B1 इंटू एफर्ट हो गया ये टू द पावर B2, ये मंथ्स में आएगा, महीनों में आएगा ये। अब एक एक करके देखते हैं, ये जो KLOC देख रहे हैं इसको कहते हैं किलो लाइन ऑफ कोड, मतलब जितने भी लाइन लिखेंगे किलो में होना चाहिए, हजार में। अब किलो लाइन ऑफ कोड, अब इसका नया नाम आ गया है, इसको हम बोलते हैं, जैसे KLOC हो गया, इसको हम बोलते हैं KDSI, किलो डिलीवर्ड सोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, जितने आपने डिलीवर किए, एक ही बात है दोनों, थोड़ा सा अंतर है। ये A1, A2, B1, B2 ये कॉन्स्टेंट है हर एक कैटेगरी के, ये देखिएगा आप, तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ऑर्गेनिक है प्रोजेक्ट, सेमी डिटैच्ड है, या एम्बेडेड है। अब ये तीनों के हिसाब से आप ये वैल्यूज यूज करेंगे। टाइम TDEV क्या हो गया, ये कितना समय लगने वाला है आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में, ये मंथ में दिया जाता है।
एफर्ट मैंने आपको बताया कितनी मेहनत लगने वाली है, एफर्ट लगने वाला है, और कितने लोग कितने दिन के लिए काम करेंगे पर्सन मंथ में ताकि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सके। एग्जांपल देखिए इसका, हम मान के चलते हैं कि ऑर्गेनिक टाइप है और इसके लाइन ऑफ कोड 32,000 है और एवरेज सैलरी जो आप इंजीनियर को देते हैं वो 15,000 रुपए है पर मंथ। आपको एफर्ट निकालना है कितना लगेगा और डेवलपमेंट टाइम निकालना है। अब आप देखिए, पहले ही आपको ये समझना होगा कि ये कौन सा टाइप का प्रोजेक्ट है। क्लियर दिया हुआ है ऑर्गेनिक टाइप है, यानी कि आप ये यूज करेंगे, कौन से एक्सप्रेशन यूज करेंगे, 2.4 यहां 1.05, ये फिक्स्ड वैल्यूज है, यहां पर 2.5 यहां 0.38। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एफर्ट। एफर्ट कैसे आएगा, A1 प्लस KLOC, अगर यहां फंक्शन पॉइंट दिया होता आपको तो यहां फंक्शन पॉइंट डालते आप, और A2, A1 ऑर्गेनिक के लिए वैल्यू है 2.4, A2 ऑर्गेनिक के लिए वैल्यू है आपकी 1.05, यहां रख दीजिए, ये यहां पर रखेंगे 32,000 है, तो ये है किलो लाइन ऑफ कोड। तो 32,000 जो आपको दिया है ये पूरी लाइनें हैं, 1000 से डिवाइड करिए आप इसको तो आपकी KLOC आएगी, तो 32 आ गया, उसको यहां रख दीजिए 32, 2.4 प्लस 32 की पावर 1.05, इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 91 पर मंथ। एफर्ट जो होता है हमेशा पर मंथ में आता है। टाइम ऑफ डेवलपमेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है B1 into एफर्ट, एफर्ट अभी अभी हमने निकाल लिया है, ठीक है जी, और यहां पर जाएंगे B2 और ये आएगा मंथ में, ध्यान रखिएगा ईयर में नहीं आता है, मंथ में आता है। तो एफर्ट निकाल चुके 91, उसको इसमें रख दीजिए। B1 और B2 क्या यूज करेंगे, प्रोजेक्ट है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक दिख रहा है आपको, तो 2.5 और 0.38, 2.5 और 0.38, 91 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, आएगा 14 मंथ, ईयर में बताएंगे तो कितना होगा, 12 मंथ जो होता है, एक साल होता है, तो एक साल दो महीने हो गया। अब कॉस्ट निकालना है आपको, कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आपको पता है एक महीने में 15,000 आप सैलरी देते हैं और कितने महीने आप देंगे, 14 महीने, तो 14 महीने कितना दे रहे हैं आप, 15,000 रुपए, कितना हो गया ये 2,10,000 रुपए, इतना आपका खर्चा आने वाला है। इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में अब आप देखिए जो कोकोमो मॉडल है उसी तरीके का ये एक्सप्रेशन है बेसिक वाला, लेकिन यहां पर एक एक्स्ट्रा चीज जोड़ दी गई है, वो है एडजस्टमेंट फैक्टर। ये क्या है मैं भी आपको बताता हूं। पहले आप देखिए कि जो इक्वेशन है बेसिक इक्वेशन वो वैसी ही यूज हुई है जो हम बेसिक में यूज करते हैं, लेकिन 15 हमारे पास ये कॉस्ट ड्राइवर्स है, इसको हमने वेरी लो से लेकर वेरी हाई तक एक तरीके से नंबर दे रखे हैं। ये जो आए हैं सारे एम्पिरिकली हैं, सालों साल के प्रोजेक्ट से निकाले गए हैं, इससे हमें पता चलेगा कितना एफर्ट मल्टीप्लायर है और यहीं से हमको एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर निकल के आएगा जो कि EAF मैं कह रहा हूं, यानी आपने बना तो दिया साथ में अगर किस चीज के लिए कितना एफर्ट लगना है वो लगाना है। जैसे मैं आपको बताता हूं, अगर आपके क्वेश्चन में या फिर आपके प्रॉब्लम में है कि मुझे रिलायबिलिटी चाहिए और रिलायबिलिटी क्लियर आपके जो स्पेसिफिकेशन स्कोप में लिखा हुआ है कि रिलायबिलिटी मुझे वेरी हाई चाहिए, तो आप 1.40 लेंगे, क्या लेंगे 1.40। इसी तरीके से हर एक चीज का एक जो नंबर है वो वेरी लो से लेकर वेरी हाई, सबसे कम से लेकर कम ज्यादा से ज्यादा है वो आप लेंगे। इसके EAF के अलावा जो मॉडल पैरामीटर है A, वो थोड़ा सा इसमें स्लाइटली चेंज है, इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल में जो बेसिक मॉडल है उससे नंबर हल्का सा चेंज है। B जो है बिल्कुल सेम रखा गया है, B जो पैरामीटर है बिल्कुल सेम है। तो मैं आपको जरा बैकग्राउंड ले जाता हूं और आपको इक्वेशन दिखा देता हूं। ये आपकी एफर्ट की इक्वेशन है बेसिक कोकोमो मॉडल की, और ये टाइम ऑफ डेवलपमेंट है। यहां पर ए और A1, A2 ये थोड़ी वैल्यू जरा चेंज हुई है, ए की वैल्यू चेंज हुई है, बी की सेम रखी गई है। अब हम आते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चन पे, क्वेश्चन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। देखिए क्वेश्चन है, डेटाबेस सिस्टम ऑफिस ऑटोमेशन प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट को बताया गया है कि ऑर्गेनिक है, वैल्यू भी क्लियर दे दी गई है, ए इसमें 3.2 है, बी इसमें 1.05 है और सी इसका 0.38 है। 4 मॉड्यूल्स इसमें इंप्लीमेंट किए जाने हैं, 0.6 डेटा एंट्री, 0.6 KDSI है। KDSI क्या होता है, किलो डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शन, ऐसी डेटा अपडेट के लिए नंबर बताया गया है, क्वेरी रिपोर्ट जनरेटर सिस्टम साइज सबके लिए नंबर बताया गया है। अब आप देखिए यहां पर आपकी
कॉस्ट ड्राइवर्स जो एफर्ट है वो भी यहां बताया गया है। इसका मतलब यह है कॉम्प्लेक्सिटी इस प्रोजेक्ट के लिए कॉम्प्लेक्सिटी हमको चाहिए कि क्वेश्चन चल रहा है अभी तक, कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए हाई, स्टोरेज इसके लिए बहुत हाई चाहिए, एक्सपीरियंस लो चल सकता है, प्रोग्रामिंग या प्रोग्रामर क्लब कैपेबिलिटी लो चाहिए। अब वो जो मैंने आपको एक टेबल दिखाया था उसमें जो वैल्यूज है कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से आप हाई कॉम्प्लेक्सिटी जहां हाई चाहिए उसके नीचे जो नंबर होगा वो ले लेंगे, स्टोरेज 1.06, एक्सपीरियंस 1.13 और प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज 1.17। अब आप आइए आपके एक्सप्रेशन पे, एक्सप्रेशन क्या है, ये है ई इक्वल्स ए एलओसी टू द पावर बी इंटू ई एफ, ये एडजस्टमेंट फैक्टर है, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर। अब ए और बी हम इसमें क्या लेने वाले हैं वो ध्यान से देखिए, ये जो ए है इसमें वो बेसिक वाले से थोड़ा सा अंतर है, बी बिल्कुल सेम रखा गया है। चलिए एक एक करके वैल्यूज निकालते हैं। आपका जो टाइम है जब आप निकालेंगे, क्योंकि ये तो आपके एफर्ट हो गया, टाइम के लिए एक्सप्रेशन ये रहेगा। तो पहले हम आते हैं, अच्छा कई बार हम इसको एफर्ट को इस तरीके से कंप्यूट करते हैं, एम एम के ओ आर आर, कई जगह आप के एल ओ सी देखेंगे, कई जगह आप सीधा यहां पर एफर्ट लिखा दिखाई देंगे, कई बार आप एम एम के ओ आर आर दिखाई देंगे। तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए सबसे पहला हमारे पास ये 1.5, 1.06, 1.13, 1.17 है, इन सबको लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया। फिर यहां रखेंगे ए, ये आपका क्या हो गया ई ए एफ, एफर्ट एडजस्टमेंट फैक्टर, जितने भी हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां रख दीजिए, ये पहला हो गया पार्ट। उसके बाद 3.2 तो खैर ए आ ही रहा है, और के एल ओ सी कितनी है, केलो लाइन ऑफ कोड, देखिए सिस्टम साइज आपका पूरा ये बताया जा रहा है तीन, कितना बताया जा रहा है तीन के डी एस आई है ना, तो यहां पर आप रखेंगे थ्री, के एल ओ सी में क्या रखेंगे थ्री, और बी पावर क्या है, बी पावर आपको उठानी है 1.05, यहां से आ जाइए आप, क्योंकि ये आपका जो प्रोजेक्ट है वो ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक में आप ये क्या करेंगे 3.2 ए की जगह रखेंगे, यहां पर आपका 1.05 बी की जगह रखेंगे, और थ्री कहां से आया है आपका यहां से, ओके। तो ये हम कंप्यूट कर लेंगे, ये पूरी वैल्यू तो आपकी 1.61 आ जाएगी, 3.2 यहां है ही, 3 की पावर 1.05 आपका 3.17 आ जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन करिए 16.33, ये आपका एफर्ट आ गया है। अब चलिए टाइम डेवलपमेंट पे जाते हैं, टाइम डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है तो हम कौन सा यूज करेंगे, पहला वाला टी इक्वल्स 2.5, एफर्ट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 16.33 को यहां रख दीजिए, तो फिर से मैं लिख देता हूं ताकि अंदाजा रहे आपको, यहां पर एफर्ट हम डालेंगे, एफर्ट की पावर 0.38, इसकी जगह 6.33 डाल दीजिए, आपका 7.23, यानी कि थोड़ा सा 7 महीने से ऊपर, ये हमेशा महीने में आता है, ध्यान रखिएगा ये पर्सन मंथ में आता है, तो 7 महीने से ऊपर आपको समय लगेगा। अब इसमें आता है कि कितने लोग आप हायर करेंगे, तो हायर करने के लिए आपको करना क्या है, कितने लोगों को आपको इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए नौकरी देनी होगी, तो आपको सीधा ये करना है कि जो आपका पर्सन मंथ है, देखिए पर्सन मंथ ये हो गया डिवाइडेड बाय ये मंथ में आ रहा है, तो मंथ से डिवाइड करेंगे तो पर्सन आ जाएंगे, तो आपको 16.33 को भाग देना है, डिवाइड करना है 7.23 से, 2.26, आप दो से तीन मेंबर आप रख सकते हैं, इसमें तीन टीम मेंबर अंदाजे से चाहिए होंगे।